नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार चौहान है और आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल आरके नॉलेज। यहाँ दोस्तों आरके नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा वीडियो एक भी मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th। जी हाँ दोस्तों, जान लो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी एक विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान न होकर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं उपशाखाओं का सम्मिलित एवं समन्वित विज्ञान है। इसी कारण इस विज्ञान की सही परिभाषा देना कठिन है। इस क्षेत्र के विज्ञानियों ने इसकी कई परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों, मानव लाभ के लिए उत्पादों व सेवाओं को प्रदान करने के लिए जैव साधनों द्वारा पदार्थों के संसाधन प्रोसेसिंग में वैज्ञानिकों व अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा है, विविध उत्पादों एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले उद्योगों में जीवों जैव तंत्रों व प्रक्रमणकों के अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान का एकात्मक सघन उपयोग ही जैव प्रौद्योगिकी है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा रहा।